कमेंट्स जरा अल्लाह हाथ रख के करें, ठीक है ना। तो गलती हो गई, गलती की माफी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मेरी सॉरी ना कबूल हो गई है। आज की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी मेरे से क्या क्या नुकसान हुआ, हमने क्या क्या किया, और रिटर्न में बच्चों को तसल्ली दी गई है कि टेंशन ना लो बेटा, नानू के घर जा रही हूं, मैं आना भी नहीं है। अच्छा जान छोटी, हम एक नई मम्मा लेके आते हैं, हैं? शर्म तो नहीं आती है। देखा। अच्छा जी, तो आज ना हम फ्रिज की तफसीली सफाई कर रहे हैं। शेरी उठा है और भाग के जाके दुकान से चीज ले आया है। सलाम करो ना, मुंह धोया ना कुछ किया है जी। इसको भी नहलाना है आज, तो ये मैंने रैक धो दिया है वेजी वाला, तो इसमें मैं सब्जियां डालती हूँ। पहले मैं आलू रखूंगी क्योंकि ये सख्त होते हैं, तो ये नीचे रखेंगे। जो टमाटर और इस तरह की सब्जियां है ना, वो मैं इसके ऊपर रखूंगी। पहले आलू रख लेते हैं। आपको पता है आलू हर घर की ज़रूरत होती है, बच्चे होते हैं, चिप्स वगैरह मांगते हैं, तो ये रखने पड़ते हैं। अब मैं रख लेती हूँ ये प्याज, ये भी सख्त होते हैं तो इसको भी अंदर रख लेते हैं। ये सब्ज़ मिर्ची हैं, ये यहाँ कोने में डाल देते हैं। हाँ जी, तो ये सारी वेजीज इसमें डाल दी हैं मैंने। और तो कुछ नहीं रह गया, नहीं और कुछ नहीं रहता, तो इसको हम रख लेते हैं फ्रिज में। बिस्मिल्लाह, ये टूट गया जी, तो ये रैक में टूट गया है। इसको सेट करेंगे बाद में, और सवार आएंगे तो उनको कहेंगे कि ये सेट करके दें। ये हमने फ्रिज को साफ कर लिया, अभी ये नहीं रखना शेरी। तो ये यहाँ से ना टूट गया, अब क्या होगा ये? हाँ? जो हमारा वो रैक टूटा है ना, हमने सवर को बताना है। सवर को ना पहले शदीद सदमा होना है, फिर वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा होंगे, फिर वो कहेंगे देख के नहीं कर सकते थे, फिर हम कहेंगे अच्छा ठीक है आइंदा हमने ना कोई काम भी नहीं करना, फिर वो ना चुप करके ना जोड़ देंगे। पापा, हाँ? पापा कहाँ है? और पापा को क्या बताना है, क्या टूट गया है? ये नहीं, ये थोड़ी टूटा है। हाँ, ये टूटा है, यहाँ पे लगा देते हैं, यही ना टूट गया जी। तो फ्रिज की सफाई हो गई है, इसको करते हैं बंद, और इसको इधर से कर देते हैं हम ऑन जी। तो मैं आई हूँ वापस, मुझे भी भूख लगी थी और शेरी को भी भूख लगी थी। हाँ। तो शेरी ने दही के साथ खाना खाया है और मैंने अचार लिया था, और शेरी का ये निवाला रह गया है। बिस्मिल्लाह करो बेबी, खा लो। और शेरी मुझसे क्या पूछता है? जेज भी स्कूल गया है, पापा भी स्कूल गए हैं, चाचू भी स्कूल गए हैं। तो शेरी का खाना खत्म हो गया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। अब अपने लिए क्लैपिंग करो, शाबाश। चलो उठो, इसने पापा को ना मेरी शिकायत लगानी है। क्या शिकायत लगानी है? कि मम्मा ने फ्रिज साफ करते हुए तोड़ दिया। हा? क्या तोड़ दिया मम्मा ने? क्या तोड़ा? ये मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखें, ये पता ही क्या कर रहा है। ये जब से टाइल्स आई है ना, ये कपड़ा उठा के ना एक एक टाइल को साफ करता है। इसे अब ये पता है कि ये ना हमारी है भाई, इस घर में एक घर तैयार होना है। तो ये बड़ा कॉन्शियस है जब से ये टाइल्स आई हैं, और उनकी सफाई कर रहा है। इधर देखो, ये तो साफ कर रहे हो, मुंह भी धो लिया करो, कभी फेस भी वॉश कर लिया करो। हम्म, शेरी क्या हुआ है? ये देखें जी, शेरी का ना कान थोड़ा सा कट गया है,
तो ये कटिंग करवा रहा था, तो कैंची लग गई इसको। तो अब इसको बहलाने के लिए ये इसके लिए खिलौने मंगवाए हैं। शेरी दर्द हुई थी, कहाँ हुई हुई है? ओ हाथ लगाओ। तो ये ना हम तसव्वुर को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल करेंगे बताएंगे कि इसकी बस कहाँ रखी है उन्होंने, फिर हम वो बस भी ढूंढ लेंगे इसकी, ठीक है ना। ये हमने ना ये 80-80 की थी, हमने उसे 60-60 दी हैं। तो वो जी दुकान वाले कहते हैं हमें ना 10 और दीजिए, तो अब हम 10 और दे देते हैं। ये आप देख रहे हैं ना बेचारे का, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। तो इसको मैंने ना फिर उसके बदले में ना, असल में ना मैं कर रही थी इसके कटिंग, इसने ना सर को दिया है झटका ज़ोर से, ऐसे किया है। कान इसके हैं, बच्चों के कान होते हैं नाजुक से नरम से, तो थोड़ी सी जिल्द आ गई, तो फिर खून निकलने लग गया। हमने फिर ऊपर पायोडीन लगा के ना ऊपर ये रख दी। एमरजेंसी में ना हम कॉटन तो ढूंढ नहीं सके, फिर ये हमारे पास टिशू था, हमने वो टिशू रखा तो ब्लीडिंग रुक गई। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, इधर से भी इधर से भी। तो गलती किसकी थी, गलती किसकी थी जी? हाँ उधर देखो, उधर बताओ, यूँ करके ये देखें जी, आप देख रहे हैं ना बेचारा दुखी है। उधर देखो, उनको बताओ, आंटी और अंकल्स को बताओ क्या हुआ है। ये हो गया उसको, वो भी बता रहा है। तो फिर बदले में हमने क्या लेके दिया है इसको? एक टीटी लेके दी है, कान कटवाने के बदले में टीटी। तो जी, तो आप लोगों ने देखा हमारी दुख भरी दास्तान। आज हमसे दो नुकसान हुए, एक हमसे रैक टूट गया, वेजिटेबल रैक जो, एक वेजिटेबल रैक टूट गया और एक क्या हुआ, कान कट गया, ठीक है ना। ओए होए होए मोशली, अच्छा ना हाथ लगाओ जी। तो बस आज की वीडियो में यही था कि हमने आज दिखाया कि हमने एफिशिएंसी जानने की कोशिश की, लेकिन क्या हो गया शेरी, नुकसान हो गया। तो नुकसान तो होते रहते हैं, लेकिन बच्चे की कान को भी चोट लग गई, कल नोजी को लगी है, ये देखें नोजी पे, ये कान मेरी निकल गई। तो सॉरी बेबी, मम्मा सॉरी सॉरी जी, मैं इससे सॉरी कर लेती हूँ अगर इसने, सॉरी सॉरी कबूल हो गई जी, ये गले हग किया इसने मुझे, तो इसका मतलब है कि मेरी सॉरी ना कबूल हो गई है। तो थैंक्स सॉरी बेबी, छोली छोली थैंक्स। चले ये बरसीम फिर उग गई है जहाँ से काटी थी। तो ये खरगोशों के लिए चारा भी लेना है यहाँ से, और तसव्वुर कह के गए थे नहीं तो वो फिर आके लड़ेंगे। पापा लड़ाई करेंगे? हाँ पापा। मम्मा को मारेंगे? हाँ। कितना? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इक्यालीस बयालीस तैंतालीस चौंतालीस एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस, ये दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बीस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये नौ है। अभी उतरने तो देना, ओवर आ गए, गेट बंद कर क्या पहले। अच्छा जी, तो तसव्वुर आ गए, देखते हैं जुरेज क्या कहता है तसव्वुर को। अभी तो शेरी मिल रहा है। मम्मा ना घर, नानू की घर चली गई है। अच्छा तो अब मम्मा का शेरी का मैंने काम अच्छा ना जान छूटी। हां शेरी का मैंने काम काटा था, काम काटा था। हाँ वो क्या होता है अब मैं नानू के घर जा रही हूँ, नाना भी नहीं है।
अच्छा जान छोटी, हम एक नई मम्मा लेके आते हैं, हैं? शर्म तो नहीं आती है। देखा, ये देख ले जी, ये है 8-9 साल की वफादारियाँ। मेरा बच्चा मैं कान काटूं, उसका नाक काटूं। ये किसने काटा कान? मेरे से कटा। वो क्यों? मेरी मर्जी, मेरा बच्चा। छोड़ के मेरे पास गए थे ना, आज सारा दिन कहाँ रहे हो? अच्छा, बच्चे को कहते हो हम नई मम्मा ले आएंगे। एक छोड़ जाता फिर दूसरी ले तो आनी। हाँ, ये तो मजबूरी, अब छोड़ जाने के वाले के पीछे भागने की क्या जरूरत। हाँ, ये देख। अच्छा जी, हमें भी पता लग गया वफादारियाँ कहाँ तक होती हैं। है सही बताओ, मैं चली जाती, आप ले बच्चों को, यही देख नीचे से देखना, यही कह कह के तसलियां दिलाते। हम औरतें कहती, हम पता है औरतें क्या कहती? हाँ। नहीं, हम आपके पापा को मना लेंगे। हैं? हमने कभी कहा ना, तो हम और पापा ले आते। ये जी, इन दोनों की आइसक्रीम आ गई। मैं उत्तू ठट्ठी आऊं। अच्छा, मैंने कहा शायद मैं उत्तू ठट्ठी। बीवी घिस घिस के कब्र में उतर जाती है और शोहर इतना वफादार होता है। ये आज की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, मेरे से क्या क्या नुकसान हुआ, हमने क्या क्या किया, और रिटर्न में बच्चों को तसल्ली दी गई है कि टेंशन ना लो बेटा, नई मम्मा ले आएंगे। अच्छा, ये नहीं है कि एक मर्द ऐसा होता है, ये सारे मेजोरिटी ऐसे होते हैं। मेजोरिटी नहीं, टोटली मर्द ही ऐसे होते हैं जी। तो आज बेगम पे मेरा प्रेशर चला है, इन्होंने शहरी का कान काटा था, तो उसके बाद मैंने इनको फ़ौरन कहा कि कपड़े मेरे नहीं प्रेस किए, तो उठा के आ गई हैं। लगती हूँ मैं उसे, हैं? तो मेरा कसूर है ना, तो फिर मैं आप कुछ कह नहीं सकती। जरा मामला ठंडा पड़ जाए ना, फिर मैं बताऊंगी प्रेशर क्या होता है। वाह, ऐसे भी सॉरी नहीं है, शहरी के पापा से भी सॉरी करती हूँ, सॉरी गलती होगी। आज तक तो मेरे से किसी का नहीं कान नाक कटा, लेकिन ना बेचारे की क्यामत आएगी। तो क्या पहले भी नाक कान नाक काटती रहती हो? नहीं, मतलब मैं हेयर कटिंग कर लेती हूँ बच्चों की, तो नहीं पता नहीं गलती होगी बेचारे का ना। अच्छा, सॉरी। और जो मेरे सिस्टर भाई और जो देख रहे हैं ना सारे, उनसे भी एक्सक्यूज करती हूँ कि ना उनके शहरी का ना मेरे हाथों थोड़ा सा ना उसको तकलीफ उठानी पड़ी, तो उसके लिए सॉरी। और भाई कमेंट्स जरा वाला हाथ रख के करें, ठीक है ना? तो गलती हो गई, गलती की माफी होनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक हो गया। तो बाकी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, तो सॉरी वंस अगेन। तो बस ठीक है, इसी के साथ जा सकते, दुआ में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।